नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर के लिए 10 एमसीक्यू टाइप के फ्रेंड्स क्वेश्चंस हैं। और ये क्वेश्चंस आपके हायर एजुकेशन, शिक्षा प्रशासन संबंधित और कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित है, और ये आपके फर्स्ट पेपर के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा। और इसके अलावा सीटेट के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये रहेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए समय ना गवाते हुए हम सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। और आज का क्वेश्चन है फर्स्ट, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 21 है, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। ऑप्शन ए 4 वर्ष के लिए, ऑप्शन बी 5 वर्ष के लिए, ऑप्शन सी 6 वर्ष के लिए, या ऑप्शन डी आजीवन। आपके पास 10 सेकेंड है फ्रेंड्स, आंसर दीजिए और आंसर चेक करिए अपना। ओके फ्रेंड्स, टाइम इज ओवर। देखिए, क्वेश्चन था राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। तो फ्रेंड्स, राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, तो ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा 21 का, यानी राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, लोकसभा का नेता कौन होता है। क्वेश्चन है, लोकसभा का नेता कौन होता है। फर्स्ट यानी कि ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी अध्यक्ष, या डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, आपके पास 10 सेकेंड है। ओके फ्रेंड्स, टाइम इज ओवर। चलिए हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए, आपका क्वेश्चन था लोकसभा का नेता कौन होता है, तो यहाँ आपका प्रधानमंत्री होते हैं, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। 22 का सेकंड ऑप्शन करेक्ट, लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है। ऑप्शन फर्स्ट राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति को, ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय को, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, आपके पास 10 सेकेंड है, आंसर चेक करिए। ओके फ्रेंड्स, टाइम इज़ ओवर। देखिए, आपका क्वेश्चन था राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है, तो यहाँ आपका ऑप्शन डी आ रहा है, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, ना ही राष्ट्रपति को, ना ही उस राष्ट्रपति को, ना ही उच्चतम न्यायालय को। तो फ्रेंड्स, इन तीनों का इससे कोई संबंध नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, पंचायती राज विषय है। ऑप्शन ए समवर्ती सूची में, बी केंद्र की सूची में, सी राज्य की सूची में, या ऑप्शन डी विशेषाधिकारों की सूची में। आपके पास 10 सेकेंड है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, टाइम इज़ ओवर। चलिए हम बताते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए, क्वेश्चन था आपका पंचायती राज विषय है, तो ये आपका ए यानी समवर्ती सूची में ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, तो 24 का
ए पंचायती राज विषय है समवर्ती सूची में। क्वेश्चन नंबर 25, लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन होता है। ऑप्शन ए संसद के सभी सदस्यों द्वारा, ऑप्शन बी प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा, ऑप्शन सी लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा, या ऑप्शन डी लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के सदस्यों द्वारा। आपके पास 10 सेकेंड है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, टाइम इज ओवर। चलिए हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए, आपका क्वेश्चन था कि लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन होता है लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। तो आपको याद रखना है कि लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन होता है, यानी 25 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 26 है, और क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। ऑप्शन फर्स्ट है भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन बी लोकसभा के द्वारा, ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, या ऑप्शन डी संसद द्वारा। आपके पास 10 सेकेंड है फ्रेंड्स, चेक करिए आंसर। ओके फ्रेंड्स, टाइम इज ओवर। चलिए हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए, आपका क्वेश्चन था भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, तो ये संसद के द्वारा फ्रेंड्स, संसद के द्वारा, क्योंकि आपको पता है अभी न्यूज में आया था कि बीजेपी और कांग्रेस में अभी बहुमत को लेके संसद में वोट पड़े थे कि किस पार्टी के कितने सांसद किसके साथ हैं। तो फ्रेंड्स, अगर कांग्रेस जीत जाती तो प्रधानमंत्री का पद छोड़ना पड़ता। तो फ्रेंड्स देखिए, ये आपका 26 का है ऑप्शन डी, यानी संसद के द्वारा। नेक्स्ट है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 27, भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक प्रधानमंत्री पद पर आसीन रह सकता है। ऑप्शन ए 3 महीने तक, ऑप्शन बी 6 महीने तक, ऑप्शन सी 1 वर्ष तक, या ऑप्शन डी कोई समय निर्धारित नहीं है। आपके पास 10 सेकेंड है फ्रेंड्स, आंसर चेक करिए। ओके फ्रेंड्स, टाइम इज ओवर। चलिए हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए, क्वेश्चन था आपका कि भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक प्रधानमंत्री पद पर आसीन रह सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 6 महीने आपका आएगा, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है कि 6 महीने तक भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर रह सकता है या आसीन रह सकता है। तो 27 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ए हथियार बंद विद्रोह के आधार पर, बी बाहा आक्रमण के आधार पर, सी युद्ध के आधार पर, या डी ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर। तो आपके पास 10 सेकेंड है। ओके फ्रेंड्स, टाइम इज ओवर। चलिए हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ। देखिए, क्वेश्चन था कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, आपके हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बाहा आक्रमणों के आधार पर, या युद्धों के आधार पर। ये सभी परिस्थितियों में वो कर सकता है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा कि ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है। ए लोकसभा द्वारा, बी राज्यसभा द्वारा, सी संसद के किसी भी सदन द्वारा, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो
तो फ्रेंड्स आपके पास 10 सेकंड है क्वेश्चन का आंसर निकालिए। ओके फ्रेंड्स टाइम इज़ ओवर। देखिए हम यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर बताएंगे। क्वेश्चन था राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स आपका संसद के किसी भी सदन द्वारा ये आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप लगाया जा सकता है। ओके फ्रेंड्स चलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा 29 का। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आज के। क्वेश्चन नंबर 30, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है। ए सोवियत संघ, बी ऑस्ट्रेलिया, सी इटली या फिर डी कनाडा। तो आपके पास 10 सेकंड है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स टाइम इज़ ओवर। देखिए हम आज क्विकली थोड़ा सा क्विक कर रहे हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी थोड़ा लॉन्ग हो जाता है, दिक्कतें होती हैं आप लोगों के लिए। तो फ्रेंड्स देखिए करेक्ट ऑप्शन आपका है भारत, क्वेश्चन था आपका भारत के संविधान में समवर्ती सम्मिलित, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देन की देन है। तो फ्रेंड आपको एकदम करेक्ट कर लेना है ऑस्ट्रेलिया। तो फ्रेंड ऑस्ट्रेलिया आपके करेक्ट ऑप्शन में आएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने 10 क्वेश्चन का आंसर आपको फ्रेंड्स दे दिया है। आशा करता हूँ वीडियो काफ़ी भी आपके लिए काफ़ी मतलब अच्छा रहा होगा और काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिला होगा। तो फ्रेंड्स चलिए जब तक कि नेक्स्ट वीडियो नहीं लाते हैं फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल और आपका दिन शुभ हो।